शहर के अरावली बिहार थाना अंतर्गत आदिनाथ स्कूल के पूर्व चेयरमैन पवन जैन चौधरी के साथ हुई 20 लाख की ठगी। पीड़ित पवन जैन ने बताया कि बिना ओटीपी व बिना मेल पर सूचना आए ठगों ने पहले मोबाइल बंद करवाया और चार बार में 20 लाख रुपए अकाउंट से निकाल लिए। वहीं अकाउंट से 20 लाख रुपयों में से केवल 167 ही छोड़े। ठगों ने चार बार में पूरे अकाउंट को खाली कर दिया। वहीं जांच करने पर दिल्ली और लखनऊ की ब्रांच में यह पैसे ट्रांसफर हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा अरावली बिहार ब्रांच के मैनेजर ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। किस तरह अकाउंट से पैसे गए यह अभी तय नहीं हो पाया है। जांच के बाद पता चल पाएगा कि किस तरह अकाउंट से बिना ओटीपी के रकम चलेगी। अरावली बिहार थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। नहीं हुआ, ना कोई मैसेज आया अकाउंट से 20 लाख रुपए। देखो सर, ऑनलाइन साइबर क्राइम हुआ है, ये मतलब फ्रॉड हुआ है, इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीजें सामने आएंगी तब स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात सामने आई? कोई नहीं आई अभी। ऐसे कोई मामला भी नहीं है जैसे इनसे ओटीपी भी मांगा गया? कोई ओटीपी भी नहीं मांगा गया है? नहीं, पर वो चीजें सारी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होंगी। ऐसे में लोग कैसे सुरक्षित रह सकेंगे जब अकाउंट पे ओटीपी नहीं आएगा? ऐसा नहीं है, ये मतलब है ना, इन्वेस्टिगेशन से सारी चीज क्लियर होंगी, कहाँ पे गलती हुई है और क्या हुआ। ठीक, क्या नाम है सर आपका? ऐसा नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा अरावली में है जिसमें हमारी लिमिट भी है। और कल शाम को 7:30 के आसपास जिस फर्म का हमारा अकाउंट है उस जिस दो नंबर अटैच है वो मोबाइल ही हमारा हैक हो गया और मोबाइल ही बंद था और बिना ओटीपी आए और बिना ही मेल पे मैसेज आए। अकाउंट में करीब 20 लाख रुपए थे तो उसमें कुल 167 रुपए छोड़कर बाकी रुपए चार बार में ट्रांजेक्शन कर और वो अकाउंट में से निकाल लिए। और उसमें अब जानकारी लगी है कि वो अकाउंट में से रुपए निकल के करीब 5 लाख रुपए तो गए हैं विकासपुरी दिल्ली की ब्रांच में, फेडरल बैंक में, और करीब 14,30,000 रुपए गए हैं लखनऊ ब्रांच में फेडरल बैंक की में, और वहाँ से भी वो पैसे निकल चुके हैं। प्रयास जारी है, सभी लोग कर रहे हैं। हम लोग थाने में करा दिए। हाँ, FIR हमने दर्ज करा दिया। किस तरीके से इन्होंने आपको कॉल किया, किस तरह से आपसे कॉन्टेक्ट हुए इनके? नहीं, कांटेक्ट है ही नहीं हमारा कोई कांटेक्ट है नहीं। हम तो जैसे रात को सो गए तो सुबह मोबाइल पे एक मैसेज था कि आपके अकाउंट से 7 लाख रुपए विड्रॉल हुए हैं। जब एक मैसेज था तो उस मैसेज पे भाई ने पूछा कि भाई साहब किसको किए हैं? भाई किए ही नहीं किसी को हमने। जब नहीं किए, फिर 10 बजे जैसे बैंक खुली, बैंक आए तो पता चला बैंक पूरी साफ है, करीब 20 लाख। चार बार अलग अलग निकाले उन्होंने, तो जब पहली बार निकाला जब आपको पता नहीं लगा? नहीं नहीं, आया नहीं, मैसेज ही नहीं आया। 8:12 की पहली कॉल है, हमने बैंक में चेक किया कि शाम को 8:12 पे पहली उसने निकाले। 8:12 से लेकर 8:30 तक में चार बार उसने निकाल लिए मैसेज। सुबह हमारे पास करीब रात के 2:15 का मैसेज है जो आया है, 7,30,000 का जो मैसेज हमने सुबह देखा, उसमें भी एक ही मैसेज आया था। उस मैसेज के बिहाफ पे ही हम लोग बैंक आए सुबह। केवल 18 मिनट में से 20 मिनट में चार बार उन्होंने पैसा हैक करके और निकाल के करीब 19,30,000 रुपये ट्रांसफर ले, बिना कोई ओटीपी बताए, बिना ओटीपी और बिना मेल पे आए। क्योंकि जितने भी बड़े अमाउंट है मेल पे भी आती है उसकी ओटीपी और मोबाइल पे भी आती है ना, तो मोबाइल पे ओटीपी हमारे पास है और ना ही हमारे मेल पे ओटीपी है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? पवन जैन चौधरी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।